हेलो हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बस ये तो आज है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा में हम लोग कुछ ना कुछ, मतलब ये होता है दान कराए। बहुत लोगों का होता होगा, बहुत लोग जानते होंगे। तो मैं घड़ा या सुराही कुछ भी मंगा ले रही हूँ, और घड़ा सुराही मंगा लूँगी। तो उसमें पानी भरकर और शरबत बनाकर किसी एक ब्राह्मण को, और पंखा है, खरबूजा है, आम है, ये सब दान कर दूंगी। तो मेरे यहाँ यही होता है। तो मम्मी भी दान करती हैं, सब लोग दान करते हैं। तो आज गंगा, वैसे सब लोग कह रहे थे आज गंगा दशहरा भी, एकादशी भी है। तो काफ़ी लोगों से पूछा तो कोई आज कर रहा है, कोई एक तो सब त्यौहार दो दो दिन हो गए हैं तो समझ में नहीं आता। तो कोई आज कर रहा है, कोई कल कर रहा है। तो मम्मी मेरी एकादशी रहती हैं, तो ये तो अभी चल रही है। अभी सामान तो नहीं आया है, अभी इनके श्रेया के पापा लेने गए हैं। तो वही सुराही या घड़ा कुछ भी मिल जाएगा वो ले लूँगी, और पंखा, जो हाथ पंखा मतलब हाथ वाला पंखा, और खरबूजा आम जो भी मिल जाएगा तो मैं एक ब्राह्मण को दान कर दूंगी। तो अभी आ जाए तब दान करने जाऊंगी। दान करने क्या, घर ही में किस निकाल दूंगी धनसु वगैरह किसी। अब तो कोई घर में आता ही नहीं है ब्राह्मण वगैरह, अगर कोई आया तो आया, नहीं तो फिर अंशु के हाथ किसी के घर भिजवा दूंगी। तो आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुराही तो नहीं मिली थी, घड़ा आ गया था। तो घड़ा मैंने धो दिया है, साफ कर दिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी भर रखूँगी, क्योंकि ले जाना होता तो पानी ज़रूरी भरना होता, तो एक लोटे के बराबर बराबर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और बस ये बंद करके रख दूँगी, और वही थाली में, मतलब मैंने इसमें खरबूजा मंगा लिया था, आम मंगा लिया, जो कुछ मिल गया। खरबूजा आम वैसे लगता है तो मिल, दोनों ही चीज़ें आजकल मौसम भी वैसा है तो मिल ही जाएगा। तो खरबूजा आम थे, पंखा था, और शक्कर थी, क्योंकि शरबत जब पानी घड़े में पानी दिया तो शक्कर, शरबत बनाएंगे तो शक्कर भी तो चाहिए, तो शक्कर रख दी थी। तो अभी तो निकाल के रख दिया है, उधर पूजा कर ली है। तो दान तो मेरा हो ही गया, निकाल तो दिया ही है। तो कोई आएगा तो घर में ले जाएगा, नहीं तो फिर कोई को अंशु दे आएंगे। तो इसीलिए मैंने सब निकाल के सामान रख दिया, क्योंकि फिर दान करने के बाद ही पानी वगैरह पीऊँगी। आज मेरा व्रत भी है, मैंने भी एकादशी व्रत रहा है, क्योंकि सब लोग रह रहे थे बुआ वगैरह, तो मैंने सोचा चलो मैं भी रह लेती हूँ, बड़ी एकादशी है तो आज मेरा भी व्रत है। तो इधर मैं फरारी के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि तीनों बुआ हैं और मैं भी हूँ, तो सबको लोग बनाना भी है। तो मैंने आलू उबालने को रख दिए, और इधर दूध भी आ गया था, दूध भी ज़्यादा मंगा लिया था, क्योंकि खीर वगैरह बनाएंगे तो खीर के लिए दूध मंगा लिया था। और हरी मिर्च और धनिया काट लिया, काट के रख दिया, क्योंकि फिर वो जल्दी जल्दी रहता ना, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है मुझे, क्योंकि जो व्रत नहीं उसके लिए तो खाना ही बनेगा। तो मैंने हरी धनिया मिर्च काट लिए, और सुबह का था तो बुआ लोगों ने मना कर दिया था कि सुबह से आलू नहीं कलरा हुआ खाएंगे, तो चाय बना दी थी और चिप्स मूँगफली के दाने, क्योंकि किसी के दांत की प्रॉब्लम है बुआ लोगों के, थोड़ा सा तो टाइट चीज़ें नहीं खा पाती, तो बोली थी चिप्स और मूँगफली के दाने, बोलो साबुदाना मत भूलो। तो मैंने साबुदाना फिर हटा दिया था, और चिप्स और साबुदाना, इधर आलू उबल गए थे तो शाम दोपहर के लिए हो जाएंगे, तो आलू तो अभी नहीं दूंगी। तो सिर्फ बोल रही थी चाय और चिप्स दे दो, तो चिप्स भूज लिए थे और चाय चढ़ा दी थी। तो अब की साल तो मैंने चिप्स बनाए नहीं, क्योंकि मेरे पिछले साल के रखे थे, तो फिर मैंने इस साल नहीं बनाए। ये व्रत वगैरह में ही भूज लिए जाते, वैसे तो कभी कोई आया तो बना लिया, लेकिन व्रत वगैरह में भून लेते हैं, मेरे बच्चे खाते नहीं है चिप्स वगैरह, तो इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो पिछले साल के रखे थे तो मैं ये वही ले आई थी, और ये वो मूँगफली के दाने भूज लिए थे, और इधर चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि बुआ लोग भी पूजा कर रही थी, आज वो थोड़ा लेट ही खाएंगी, बोल रही थी व्रत है तो थोड़ा लेट खाएंगे, तो इसी वजह से मैंने चिप्स दाने भून के रख लिए हैं। और इधर आलू उबल गए, चाय भी चढ़ा दी, क्योंकि बुआ लोग थोड़ा लेट ही चाय पियेंगी, बोल रही थी कि थोड़ा पूजा वूजा कर लें आज, थोड़ा लेट से पियेंगे। तो इधर मैंने लेट हो गया था, लेट गया 9:30-10:30 हो रहा था, तो फिर मैंने चाय बना दी बुआ लोगों के लिए। एक बुआ ने तो सिर्फ पानी पीकर ही एकादशी व्रत रहा, तो उन्होंने, और पानी क्या मतलब पूरे दिन पानी नहीं पिया, बोली रही थी कि अगर रात को प्यास लगी तो पी लेंगे वरना नहीं पियेंगे, तो अभी तक तो उन्होंने नहीं पिया था। हाँ ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि रात को सिर्फ लेटते हुए उन्होंने, जब ज़्यादा ही गर्मी, उस दिन गर्मी बहुत थी और सबने कह दिया, तो उन्होंने पानी पी लिया था और कुछ भी नहीं खाया पिया। और दो बुआ ने खा पी लिया था, मतलब बिना नमक का ही, जिस तरह मतलब बिना नमक का ही खाया था, शाम को नमक लेंगी वो भी सेंधा, तो अभी तो नमक नहीं लेना है। तो मैंने चिप्स दाने भून लिए, तो जिस तरह से बुआ लोग, दोनों बुआ लोग रह रहे हैं उसी तरह से मैंने भी रहा है, बिना नमक नहीं लिया है सुबह टाइम पे, और चिप्स दाने भून लिए, तो चाय ले ली थी। तो चाय भी मैंने गिलास में ज़्यादा ज़्यादा दे दी थी, कि वो फिर कह रही थी कि अभी नहीं खाएंगे, 3-4 बजे के करीब आलू कलार देना तो खा लो, तो फिर आलू कलार देंगे और खीर बना लेंगे। तो ये चाय भी ज़्यादा ज़्यादा सी हो गई है, और फिर बुआ लोग आ गई थी, बहुत अच्छे नेचर की हैं बुआ लोग, बहुत अच्छी।
बहुत ज़्यादा हेल्प भी करा लेती हैं, यानी कि मैं अकेले कर रही हूँ तो आ जाती हैं किचन में, क्योंकि और बुआ लोगों के थोड़े से पैर वगैरह थोड़े से चल फिरने में दिक्कत है उनको, तो वो नहीं कर पाती हैं। ये बुआ भी के भी पैर में दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी हेल्प करा लेती हैं। तो इन्होंने कहा कि अकेले कर रही हो, किचन में ला मैं करा लेती हूँ। मैंने मना भी बहुत किया था कि बुआ मत करो, मैं अकेले कर लूँगी, लेकिन नहीं मानी। तो फिर उन्होंने मैंने आलू उबाल दिए थे, बोली ला जब तक तुम कर रही हो तो मैं आलू कर दे रही, छीले दे रही हूँ, क्योंकि छील के रख देंगी और धनिया मिर्चा कटे रखे हैं तो वो मैं दोपहर को बना लूँगी। तो इधर मैंने सबके लिए तरोई बना ली थी खाने में, और अपने लोगों के लिए बुआ ने आलू छील लिए थे, और मैं इधर खाने की बोली तुम खाने की तैयारी करो, मैं इधर जो फरारी का है वो मैं तैयारी करके रख देती हूँ। तो बुआ ने ये कर दिया था, तो और इधर साबूदाना भी निकाल लिया था जब बुआ आलू वगैरह छील लिए, और इधर मैंने तरोई चढ़ा दी। तो साबूदाना की खीर भी बना, क्योंकि खीर भी ठंडी अच्छी लगती है, गर्म तो अच्छी नहीं लगती है, तो खीर भी बना के रख दूँगी। तो साबूदाना की खीर बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी खीर। व्रत की चीज़ें वैसे भी अच्छी होती, बहुत ही अच्छी खीर बनी थी। तो ये साबूदाना निकाल लिया, उसको मैं धो लूँगी, साफ कर लूँगी। धोकर मैंने साफ किया, जब दूध खौलने लगा तो मैंने साबूदाना डाल दिया। साबूदाना हो गया इधर, तो मैं खाना भी देखती जा रही थी तो तरोई भी चढ़ा दी थी, तरोई हो गई इधर, और इधर खीर भी हो जाएगी। और इधर फिर सब्जियां वगैरह आ गए थे, टमाटर वगैरह नहीं थे तो फिर आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको धुल कर रख देती हूँ, तो उतनी देर में खीर होगी सब्जी होगी, तो इधर मैंने धुल कर रख दिए। और अदरक में तो बहुत सारी मिट्टी होती है, तो फिर अदरक तो दो तीन पानी से निकाल कर धुलनी पड़ती है, तो मैंने तसले में डाल दी थी, छोटा तसला है मेरे पास, तो मैंने उसमें डाल के फुलौ दी थी, तो मिट्टी जितनी थी निकल गई थी। फिर मैंने दो तीन पानी से धो लिया, बार बार रोज़ रोज़ धोना नहीं पड़ेगा, धोकर मैं इसको धूप में सुखा लूँगी तो अच्छी तरीके से सूख जाएगी। फिर मैं थोड़ी बाहर निकालूँगी, ज़्यादा फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत है तो जल्दी जल्दी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो मैं सब्जियां भी उतनी मंगा रही जितनी एक दिन में यूज हो, वरना मेरे सब्जी भी फ्रिज में भी नहीं टिक रही है, तो इसलिए मैंने सब्जियां भी उतनी मंगाई। और इधर गरम मसाला डाल दिया तरोई में, तो तरोई भी हो चुकी, और इधर ये खीर भी हो रही थी, लगभग हो ही चुकी थी इसमें खीर, और तरोई हो चुकी, तो फिर मैंने भिंडी छौंक दी, तो भिंडी भी हो चुकी है। भिंडी में नींबू भी डाल लेती हूँ, खटाई भी डाल लेती हूँ, जो भी होता है तो मैं डाल देती हूँ। तो इसमें नींबू था तो मैंने नींबू डाल दिया था। ये देखिए खीर हो चुकी है मेरी, अब शक्कर डाल देंगे, तो शक्कर डालने के बाद भी थोड़ी देर खौलाऊंगी, क्योंकि फिर शक्कर जब पानी छोड़ती है तो फिर वो खीर का उतना अच्छा टेस्ट नहीं रहता, तो शक्कर डालने के बाद भी थोड़ी देर खौला लें तो ज़्यादा अच्छी टेस्टी खीर बनती है। तो फिर इधर कपड़े भी मुझे याद आए, कपड़े मेरे धुलते मैंने सुबह दिए थे, लेकिन मुझे याद आया कि कपड़े अभी फैले नहीं हैं, तो फिर मैं कपड़े लेकर आई कि मैं पहले कपड़े फैला दूँ, वरना धूप है तो सूख तो आधे घंटे में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं जब फैलाना था तो मैंने सोचा चलो कपड़े फैला देती हूँ, तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई थी, ज़्यादा थे कपड़े, तो वो भी मैंने फिर सारे कपड़े फैलाए। और इधर ये खीर तैयारी हो रही थी, थोड़ा शक्कर डालने के बताया ना, शक्कर डालने के बाद थोड़ी देर खौलाना था, तो उतनी देर में मेरे कपड़े भी फैल गए और ये खीर भी तैयार हो गई मेरी। ये देखिए ठंडी भी हो चुकी है, तो ये खीर मैंने निकाल के बाहर रख दी थी कि व्रत का सामान था। और ये धराम केले वगैरह भी आ गए थे, और चीकू भी आ गए थे, इसको चीकू बोलते हैं, लूचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये आ गए थे, ये बड़े खट्टे थे, तो बुआ लोग ने तो नहीं खाए थे, एक आधे मैंने खा लिए थे, एक आधे का एक भी नहीं खब रहा था। तो इधर लेट हो गया था, 3:30 बज रहा था, तो मैंने सोचा चलो बुआ खाना पीना मेरा हो चुका था, सबको खिला पिला दिया था, बच्चों को इनको, और उसके बाद सब साफ़ सफाई कर ली थी। तो ये जो आलू मतलब बुआ जो करके रख गई थी छील कर और मिस कर, तो वो मैंने डाल दिया। और बुआ ने कहा था टमाटर वाले आलू बना देना, क्योंकि बिना नमक खाएंगी, तो फिर टमाटर से और नींबू डाल देना। तो मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए थे, और घी में जीरा और हरी मिर्च डाल दी थी, क्योंकि मसाले वगैरह तो कुछ खाएंगी नहीं, नमक खाएंगी, तो मैंने टमाटर से खट्टे हो जाएंगे तो अच्छे लगेगा, और हरी मिर्च ज़्यादा कर दी थी तो चटपटे और खट्टे हो जाएंगे, और नींबू डाल दिया था, और खीर और आलू हो जाएंगे। तो खीर तो बन ही चुकी है, आलू कलारने थे, तो फिर आलू कला लिए थे, तो मैंने सोचा चलो काफ़ी टाइम हो गया है, और उसके बाद मैं लेट ही नहीं थी, काम चुटपुट लगे थे, उसी वजह से फिर मैंने सोचा 3:30 बजे उसके बाद ही बैठूंगी, बुआ लोगों को भी बुला लूँ, खा लेंगी, काफ़ी देर पहले खाया, चाय पी थी, चिप्स खाई थी सिर्फ। तो फिर ये देखिए आलू भी हो चुके हैं और खीर बन चुकी है, और इधर बुआ भी आ गई थी, मैंने बुआ को आवाज़ दे दी थी कि बुआ आ जाओ, तो बुआ आ गई थी। आवाज़ क्या मतलब, बुआ नीचे थी मम्मी पास, तो मैंने उन्हें आवाज़ दे दी थी, इसलिए तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या आवाज़ दी, तो मम्मी पास बैठी थी, तो मैंने कहा था बुआ आ जाओ खा लो आकर, तो फिर आ गई थी बुआ लोग। बुआ लोग क्या, दो ही बुआ आई थी, एक बुआ तो बोला ना कुछ खाएंगी नहीं, तो मैंने लिए दोनों बुआ लोगों के लिए खीर और आलू लगा लिए हैं।
और अच्छे भी लगे थे बिना नमक के, ये नहीं कि अच्छे लगे, बहुत ही चटपटे और खट्टे थे तो अच्छे भी लगे थे। तो खीर ले ली साबूदाना की और आलू ले लिए। चलिए आप लोग भी आ जाइए बिना नमक के आलू खाने के लिए। और इधर केला लगा दिए थे, आम लगा दिए थे, और वही जो लूचा थे उसको मैं लूचा ही बोलती हूँ, पता नहीं क्या बोला जाता मेरे यहाँ, तो लूचा ही बोलते हैं, तो वही था। तो और सबके लिए नाश्ता लगा दिया था। और बस मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।